नमस्कार, संगीता's किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी अफगानी मटन, जिसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है और कुछ मैंने हरी मिर्च ली है, और मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर और अदरक, और मैंने कुछ प्याज काट के रखी है फ्राई करने के लिए, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा मैं साबुत लहसुन भी इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं प्याज भून के। अब देखिए, मैं यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक को पीस के बना लूंगी प्यूरी। और यहाँ मैंने रख दिया है तेल, तो ये मेरा तेल हो रहा है गरम। जब तक ये तेल गरम होगा और मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, तब तक मैं टमाटर की प्यूरी बना लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं प्यूरी बनाने के बाद। अब देखिए, ये मैंने प्याज भूनने रख दी है और साथ में डाल दिया है थोड़े से तेजपात के पत्ते, और बस इसको हल्का सा हम भूनेंगे और तभी मैं डाल दूंगी इसके अंदर मटन के पीसेस, क्योंकि मटन भी इसके साथ ही भुनेगा। ये अफगानी मटन में खासियत है कि हम इस तरह से इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनता है। मटन का भुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस सारे बढ़िया पीसेस हैं मटन के, ये देखिए, और अब मैं इसको भूनूंगी प्याज के साथ। तो ये देखिए, है ना बढ़िया। अब ये देखिए, प्याज मैंने डाल के इसमें भूनना शुरू कर दिया, और ये मैं थोड़े से साबुत मसाले डाल रही हूँ, जिसके अंदर बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा साबुत धनिया, शाही जीरा, ये सब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ में मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम इसी में भूनेंगे। और साथ में मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी, जिसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्च को भी पीसा है। तो देखिए, ये सब चीज़ें मेरी इसके अंदर जा चुकी हैं, और अब हमें सिर्फ भूनना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से अब देखिए, मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक और थोड़ा सा सूखा धनिया, और मैं डालूंगी मिर्च, और बस सारे गरम मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। तो इस समय पे मैं बस इसको एक बार मिक्स करने के बाद मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगी कुकर में। जब ये गल जाएगा तब हम अपने मीट की भुनाई करेंगे। अफगानी मीट बनाने में, भूनने के समय में हम डालेंगे इसके अंदर दही। तो चलिए, अब मैं ट्रांसफ़र करती हूँ कुकर में, जिसमें मैंने थोड़ा पानी डाला हुआ है, और 3 से 4 सीटी हम लेंगे। और मटन जब हमारा गल जाएगा तब मैं वापस इसी कढ़ाई के अंदर इसको ट्रांसफ़र करूँगी। अब देखिए, ये मटन मैंने कुकर के अंदर कर दिया ट्रांसफ़र, और अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर 3 से 4 विसल, और फिर मिलते हैं मटन के गलने के बाद। अब ये देखिए, मटन गल गया है, तो अब मैं इसको डालूंगी उसी पैन में वापस, और बस अब हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, इतना बढ़िया मसाला हुआ है तैयार। तो इसमें नेचुरल जो ऑयल था इसका, वो भी छूट गया, और अब हम इसको बिल्कुल बढ़िया भूनेंगे, और मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा दही। अब देखिए, ये मसाला और मीट बिल्कुल बढ़िया हो रहा है भून के तैयार। तो इस समय पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये दही। दही डालते ही हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं,
और बस फिर हमें सिर्फ भुनाई करनी है। ये अफगानी मटन है, इसमें आप जितनी भुनाई करेंगे स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। तो इसी समय पे मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें डालूंगी ताकि धनिया का भी स्वाद आ जाए, और बाकी धनिया हम डालेंगे गार्निशिंग के टाइम पे। तो बस इसके खुश्क होने का इंतज़ार है और हमें लगातार इसको भूनना है। अब ये देखिए बढ़िया अफगानी मटन हो गया तैयार और बिल्कुल बढ़िया गल चुका है। मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया गल गया और बहुत ही अच्छा भुन के हो गया ये तैयार। तो बस अब करेंगे हम प्लेटिंग की तैयारी, और ये ज़रूर आप बनाइए, ईद स्पेशल है वैसे और कभी भी आप खा सकते हैं। तो बस बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है और बहुत ही बढ़िया, देखिए आप सारा तेल इसमें छोड़ दिया है। तो मैं गैस को करूंगी बंद और चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो ये देखिए वाह क्या खुशबू है और बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं कि अच्छा सा ये एरोमा आ रहा है और बढ़िया मटन हो गया मेरा तैयार। इसको बनाना तो एक बार बनता ही है, तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए क्या बढ़िया है ये बोन का पीस, ये देखिए। और अब मैं कर दूंगी इसमें थोड़ा धनिया पत्ती से गार्निश, और मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच रेसिपीज।